रोहित वेमुला दलित नहीं थे और उन्हें छात्रावास से निकालना जाना सही था। रोहित वेमुला की मां ने आरक्षण का फायदा उठाने के लिए दलित होने का ढोंग रचा था। ये बात उस रिपोर्ट का हिस्सा है जिसे मानव संसाधन मंत्रालय की एक सदस्य समिति ने जांच के बाद तैयार किया। जांच कमेटी ने लिखा है कि रोहित की आत्महत्या की वजह भी हॉस्टल से निकाला जाना नहीं था बल्कि व्यक्तिगत कारण से सुसाइड किया था। रिपोर्ट ने केंद्रीय मंत्रियों बंडारू दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी को भी क्लीन चिट दी है। 26 वर्षीय वेमुला ने इसी साल जनवरी में आत्महत्या कर ली थी, आपको बता दें, जिसके बाद राजनीतिक दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया था। लेकिन अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो ये रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है। रिपोर्ट का कहना है कि रोहित वेमुला दलित नहीं थे और निजी कारणों से तंग आकर उन्होंने सुसाइड किया था। रोहित वेमुला को स्वयं को जिम्मेवार ठहराया है आत्महत्या के लिए, उनकी मदर को जिम्मेवार ठहराया है कि फर्जीवाड़ा किया है, फर्जी सर्टिफिकेट किया है। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये बयान दिए कि वो तो शेड्यूल का सही नहीं, वो तो ओबीसी है, और ये ज्यूडिशियल कमीशन के माध्यम से, आयोग के माध्यम से ऐसा लगता है कि केवल जो भाजपा के लोग कह रहे थे उसमें मोहर लगाने के लिए इसको नियुक्त किया गया था, जो उन्होंने कर दिया। तो जांच रिपोर्ट तो सामने आ गई है, लेकिन उसके बाद जो विपक्ष है वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं नजर आ रहा, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा कि जो हालात बने हैं उसके बाद लगा कि ये जो जांच कमेटी बिठाई गई वो सिर्फ मोहर लगाने के लिए ही बनाई गई थी। और अब जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो रोहित वेमुला ने सुसाइड किया है वो किसी और वजह से नहीं बल्कि निजी कारणों की वजह से सुसाइड किया है। और ये भी जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि रोहित वेमुला दलित नहीं थे और ये दलित बनने का ढोंग किया गया था। आत्महत्या की वजह हॉस्टल से निकालना नहीं था और ये साफ तौर पर लिखा है कि निजी कारणों से तंग आकर आत्महत्या की। उधर स्मृति ईरानी और बंडारू को क्लीन चिट मिलते हुए अब समय संवाददाता हैदराबाद से सुरेखा हमारे साथ फोन लाइन पर। सुरेखा, अब जब ये जांच रिपोर्ट आ गई है और हमने सुना कि किस तरह से जो विपक्ष है वो बेहद नाराज और असंतुष्ट, लाजमी है,